है, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है भाई? कोई सर्किट है ना, या तो मैक्सिमम करंट फ्लो कर देगा या मिनिमम, लेकिन किसके आधार पर? क्योंकि बेटा करंट तो तब फ्लो होगा जब आप सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई करोगे, सोर्स ऑफ लाइट अप्लाई करोगे, वोल्टेज अप्लाई करोगे। मान लीजिए हम इसमें क्या अप्लाई करें बेटा, अल्टरनेटिंग सोर्स है बेटा हमारा, क्या अल्टरनेटिंग सोर्स। ये क्या है बेटा, आपने पढ़ा था ई बराबर है ई नोट साइन, यहाँ ओमेगा का मतलब क्या हो रहा है 2 पाई न्यू इनटू टी, ये हो रहा बेटा। तो ये कोई भी सर्किट हो सकता है, एनीथिंग एल्स आर एल सी कुछ भी हो सकता है बेटा, ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो इस सर्किट में क्या जाओगा, या तो मैक्सिमम करंट चले जाओगा या मिनिमम, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये जो अप्लाइड ईएमएफ है इसकी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि बेटा किसी सर्किट में तुमने ओम्स लॉ पढ़ रखे ना भाई, वो आर है और ये क्या है वी है ना, वी जितना हम अप्लाई करें उतना क्या जा रहा है करंट, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था आई पढ़ रखे ना। तो बेटा ये भाई करंट इसमें जा होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर, और वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करी है फ्रीक्वेंसी, किसके ऊपर बेटा फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, रेजोनेंस का मीनिंग है किसी सर्किट में से क्या जाना, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम करंट फ्लो होना किसके ऊपर, एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा रेजोनेंस की, क्या ये द फिनोमेना ऑफ, क्या लिखू बेटा, द फिनोमेना ऑफ फ्लोइंग, क्या बेटा आइदर मैक्सिमम और मिनिमम करंट, आइदर मैक्सिमम मिनिमम करंट किसमें है थ्रू ए सर्किट एट किसके ऊपर बेटा, एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी, एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर बेस्ड है कि भाई इसमें मैक्सिमम जाओगे या मिनिमम करंट जाओगा। तो सिंपल सी बात है बेटा। अब रेजोनेंस दो प्रकार का है, बेटा क्या, नंबर एक है सीरीज, क्या बेटा सीरीज, नंबर दो बेटा पैरेलल रेजोनेंस, क्या बेटा, अरे भाई सीरीज में तो क्या होता है करंट सेम मैक्सिमम, सीरीज में करंट सेम बेटा, सीरीज में तो मैक्सिमम करंट जाओगा और पैरेलल में करंट क्यों चल रहा है कम, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज रेजोनेंस की डेफिनेशन सिंपल इसी तरह बन जाएगी, द फिनोमेना ऑफ फ्लोइंग क्या मैक्सिमम करंट जो है सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट ठीक है, एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स या अप्लाइड एसी, क्लियर है बेटा। और पैरेलल द फिनोमेना ऑफ फ्लोइंग ऑफ मिनिमम करंट थ्रू ए पैरेलल सर्किट, थ्रू ए सर्किट ठीक है ना, थ्रू ए पैरेलल सर्किट एट ए पर्टिकुलर, एक बेटा एक डेफिनेशन से दोनों बन जाएंगे। मतलब रेजोनेंस का मतलब बेटा या तो मैक्सिमम करंट जाना या मिनिमम। अब मेरी बात सुनो, मैक्सिमम करंट तो तब जाओगा जब रेजिस्टेंस क्या होगा बता भाई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी, कब होगी यदि क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा बिकम भाई, जब सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा उसी टाइम तो सर्किट का रेजिस्टेंस करंट के होगा समझ ज्यादा, क्लियर होगी बात। तो आज हम कर रहे हैं बेटा ये बात कि भाई सीरीज रेजोनेंस का करेंगे अभी, भाई सीरीज रेजोनेंस क्या होता है अभी बात करते हैं, सीरीज रेजोनेंस की भाई, सीरीज रेजोनेंस तो बेटा सीरीज रेजोनेंस की डेफिनेशन कोई द फिनोमेना ऑफ फ्लोइंग क्या, कितना करंट, मैक्सिमम करंट थ्रू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर सर्किट ठीक है, किसके ऊपर, एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी।
तो क्या लिया आपने, आपने लिया है एक आर एल और बेटा सी, किसमें कनेक्ट कर दिया आपने, सीरीज में, दैट इज आर एल एंड सी आर कनेक्ट इन सीरीज एंड वी हैव अप्लाइड एसी, आपने एसी अप्लाई कर दी, क्या बेटा दैट इज ई बराबर है दैट इज ई नोट साइन 2π/2 क्लियर है बेटा, ठीक है। आगे से मैं आप क्या लिखोगे इसमें, बस मैक्सिमम करंट जाना है, हम एक बार तो पहले भी जान चुके हैं जब कभी भी एल सी और आर सीरीज में है तो क्या होगा इम्पीडेंस, अरे भाई बेटा क्या पता आपको, ये बात तो लिख दोगे भाई, वी नो दैट हम जानते हैं कि व्हेन व्हेन एल सी एंड आर इन सीरीज आर इन सीरीज देर इज मैक्सिमम there is a maximum resistance offered, there is a maximum of resistance offered which called, जो किस नाम से पुकारा जाता है, which called impedance okay, बेटा impedance बता दो क्या होता है, Z बराबर है root क्या लगा बेटा, हम हर्ष आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स इक्वेशन, यू क्या बेटा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए कम, क्योंकि तो कौन है यू सीरीज है, सीरीज में तो करंट क्यों होगा ज्यादा, करंट ज्यादा तो करंट रेजिस्टेंस कम, चलो भाई लेकिन किसके ऊपर, इस तरीके तो पहला क्या काम करते हैं, ये कहता है भाई एट हाई फ्रीक्वेंसी, ये कहता है पहला केस, केस वन ले लिया कि यदि जो है फ्रीक्वेंसी क्या जाए बेटा हाई, क्या जाए फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दू, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दोगे तो मुझे बताना भाई एक्सएल क्या होगा, व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल क्या होगा बेटा ओमेगा इंटू एल और ओमेगा 2π/ν/L, चलो न्यू क्या कर दिया आई तो एक्सएल भी क्या हो गया बेटा दैट बिकम, ठीक है बेटे, अब एक्स सी क्या होगा मेरा बेटा 1 बाय 2π/ω वैल्यू न्यू इंटू यहां सी, न्यू क्या कर रखा ज्यादा, न्यू ज्यादा है तो एक्स सी, इसका मतलब एक्स सी क्यों जाएगा बेटा, हो गया आ जाइए इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन देखना रहा जेड, एक मिनट देखो ये क्या है आर, यू क्यों रहा है एक्सएल आई, अरे यो लो आई, मैं तो कुछ लो जाएगी तो कुछ तरह कम आएगी समथिंग लार्ज, और लार्ज का क्यों रहा है स्केयर, समथिंग लार्ज, लार्ज का स्केयर बहुत ज्यादा लार्ज, और बहुत ज्यादा लार्ज में क्या जुड़ गया आर का स्केयर, तो ये जेड क्या हो जाएगा, जेड मैक्सिमम तो करंट क्यों देगा, करंट मिनिमम बेटा रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया ना तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा और करंट क्या होगा फिर कम, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं है, किसकी कंडीशन नहीं है, सीरीज तो क्यों है भाई, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि करंट क्या हो जाए ज्यादा और रेजिस्टेंस, भैया कंडीशन तो आई नहीं, आप करते हैं सेकेंड कंडीशन, ये कर केस टू है ईट, हाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्यों होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से होता है क्योंकि एच बराबर क्या होता है आई स्केयर आर टी होता है, आई स्केयर आर टी, ठीक है अब सुनो बेटा ध्यान से, सेकंड केस क्या कराया, फ्रीक्वेंसी एक बार ज्यादा ले ली, एक बार क्या लोगे लो, फ्रीक्वेंसी क्या लोगे बेटा लो, क्या ले ली एक्स एल क्या हो रहा है ओमेगा इंटू एल ओमेगा 2π/ν/L, तो क्या हो रहा है यू लो है तो लो गुड, अब बेटा एक्स सी क्या हुआ है 1 बाय ओमेगा c दैट इज 1 बाय 2π/ν/C क्या हो रहा है यो लो है तो यो आई क्या गया आई फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या करो देखना बेटा
अब गिव आर यू क्यों हो गया लोग आर यू आई ज्यादा माइनस की रकम ज्यादा और प्लस की कम तो माइनस का क्या नाम सर और माइनस का स्केयर प्लस हो गया वो ज्यादा हो गया तो रकम और ज्यादा कुछ भी जोड़ा क्यों हो गया ज्यादा जेड क्यों हो गया इसमें भी जेड क्या है बेटा आपका जेड इज क्या है बेटा हाई क्या है बेटा हाई अगर रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा हो गया तो करंट क्यों चलो बेटा मिनिमम हो गया ये कंडीशन नहीं होती ये रेजिस्टेंस कंडीशन नहीं है अब चलते हैं आपने दो काम कर लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर ली या फ्रीक्वेंसी बेटा फ्रीक्वेंसी कम कर ली और फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी तो इसका मतलब किसके बीच में होगी कम और ज्यादा के बीच में देखिए क्या हो रहा है बेटा एक मिनट जब आपने लो करी थी तो देखो एक्सएल क्यों रहा था ना सॉरी हाई करी थी एक्सएल आई और एक्सी और है ना एक्सएल आई और एक्सी लो जब आई करी थी और अब आपने लो कर दी तो एक्सएल लो गैलेक्सी आई और वगैरह दोनों उल्टे चल रहे हैं ना तो इसका मतलब है ये कहता है सो देयर इज ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देयर इज ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी ठीक है क्या बोलता है कि देखिए बेटा इसमें एक्सएल लो एक्सी और उसमें एक्सएल आई एलेक्सी लो था अब कहता है एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आई वह पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है न्यू आर यानी न्यू आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर एक्सएल बराबर होगा बेटा एक्स सी के एक्सएल बराबर एक्स सी तो बेटा एक्सएल क्या होता है ओमेगा इंटू एल आर ये क्या लेंगे ओमेगा क्या लेंगे ओमेगा बराबर है रेजोनेंट बेटा ये क्या लो आर फोर रेजोनेंट और एक्स सी क्या होता है वन बाय ओमेगा सी यहां के लोगे आर ओमेगा नहीं जो ओमेगा इंटू ओमेगा अरे ओमेगा स्क्वायर बराबर वन बाय एल सी बेटा आपने क्या निकालना है ओमेगा ओमेगा बराबर कितना है वन बाय रूट एल सी यह आपका पेपर में न्यूमेरिकल आया हुआ है क्या देखा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डोम यदि ओमेगा लिख रखा है ना तो ओमेगा करना नहीं तो क्या निकालना होगा क्या निकालना होगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी समझ गए मेरी बात तो आपने फ्रीक्वेंसी काटनी है तो क्या होगा ओमेगा बराबर टू पाई न्यू और यहाँ आर बराबर वन बाय रूट एल सी तो बेटा न्यू आर क्या आएगा न्यू आर इज इक्वल टू पाई यहाँ आया टू पाई दैट इज टू पाई आर वन बाय रूट एल सी दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आगे बेटा ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आगी ये वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर बेटा मुख्य ध्यान से एक्सएल बराबर किसकी हो गया जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया तो फ्रॉम इक्वेशन वन अरे भाई कंडीशन तो कमी नहीं करी ना एक्सएल बराबर क्या हो गया बेटा एक्स सी ये खत्म आर का स्क्वायर का रूट आर जेड क्यों हो गया खाली आर जेड बराबर क्या है बेटा खाली आर तो जेड बराबर क्या है बेटा खाली आर खाली आर का मतलब क्यों गए हो मिनिमम का मतलब है इम्पीडेंस कम हो गया तो करंट क्यों बेटा करंट इज मैक्सिमम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एट ए पार्टिकल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या क्या है आपकी 1/2 pi एंड दैट इज रूट या बेटा दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्लियर है क्या पड़ेगा डायग्राम ये बनाना आपने ये करंट और फ्रीक्वेंसी करंट कौन अच्छी है ज्यादा ये करंट है बेटा क्या ये करंट है ये फ्रीक्वेंसी है तो न्यू बराबर क्या है न्यू आर वह फ्रीक्वेंसी है जिसका करंट क्यों होगा बेटा मैक्सिमम हमारा करंट फिर है गलत हो जाएगा गलो समझ गए ना अरे भाई नी से ज्यादा हाई लोगे तब भी क्यों रहेगा कम और लो लोगे तब भी कम फ्रीक्वेंसी कम ली बेटा ये फ्रीक्वेंसी क्या है कम ये फ्रीक्वेंसी क्या ज्यादा भाई ये तो न्यू जो है ग्रेटर देन न्यू आर और ये न्यू लेस देन न्यू आर ना तो इस पर करंट क्या है कम इस पर करंट क्या है कम और इस पर करंट क्या है मैक्सिमम तो दैट ये जो है बेटा दैट इज द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड क्या बोलेंगे इस कॉल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी है सीरीज कौन सा बेटा यो सीरीज क्लियर है बेटा आगे से मिलो